यहाँ आदमी कहता है ये भैया हम गरीब एगो आदमी एगो हमारा वोट से का होगा। हम आपको आपके वोट का कीमत बता रहे हैं। आपके एक वोट देने से जो आदमी प्रधानमंत्री बनता है देश का राजा, वो आदमी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक। तो सुनिए आपने एक वोट की कीमत। लोगों को एक वोट की कीमत बताने वाले देश के मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी में भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बड़ा तड़का लगा दिया है। दरअसल सिंगिंग और एक्टिंग के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने अब राजनीति में भी एंट्री कर दी है। अक्षरा ने देश के मशहूर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का दामन थामा है। अक्षरा सिंह एनपी मंडल और आफाक अहमद की मौजूदगी में जन सुराज की संस्थापक सदस्य बनी हैं। एक्ट्रेस अब सिंगिंग और एक्टिंग के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी अपना जलवा दिखाएंगी। पार्टी की सदस्यता के बाद क्या बोली अक्षरा सिंह? पार्टी की संस्थापक सदस्यता के बाद अक्षरा सिंह ने बयान देते हुए कहा कि जिस मकसद से जन सुराज पार्टी अभियान चला रही है वही मेरे आने का मकसद है। प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी उन्हें प्रभावित करती है, जिसके चलते उन्होंने बिहार की अन्य पार्टियों के बजाय जन सुराज को चुना है। अक्षरा सिंह का कहना है कि बिहार की बेटी होने के नाते वो अपने प्रदेश को शिक्षित बनाना चाहती हैं। उसी मकसद का यह एक कदम है। कहां से लड़ेंगी चुनाव? चुनाव लड़ने के सवाल पर अक्षरा ने कहा कि अगर आने वाले समय में प्रशांत किशोर सर चाहेंगे तो चुनाव भी लड़ूंगी। बिहार के लोग मुझे और प्यार दें ताकि मैं और अग्रसर होकर काम कर सकूं। वहीं आरा से लोकसभा चुनाव लड़ने की खबरों को उन्होंने अफवाह करार दिया है। अक्षरा ने जन सुराज को बताया मुहिम। भोजपुरी एक्ट्रेस ने बताया है कि करीब 2 महीने पहले उनके पास पार्टी ने इस अभियान से जुड़ने के लिए निमंत्रण भेजा था। जन सुराज पार्टी को लेकर अक्षरा का मानना है कि यह कोई पार्टी नहीं बल्कि एक मुहिम है। अक्षरा सिंह ने कहा कि मैं कभी भी किसी भी पार्टी में जा सकती थी, मेरे सभी पार्टी में अच्छे दोस्त हैं। मैंने जन सुराज इसलिए चुना क्योंकि ये कोई पार्टी नहीं बल्कि एक मुहिम है और प्रशांत किशोर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। एक कलाकार और बिहार की बेटी होने के नाते मैंने ये कदम उठाया है। मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ी हूँ, ये एक अभियान है, मैं उसी अभियान से जुड़ी हूँ। बता दें कि जन सुराज पार्टी देश के नामी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी है। प्रशांत किशोर आने वाले समय में बिहार की राजनीति को नई दिशा देना चाहते हैं और वह अपने अभियान के जरिए लगातार बिहार का भ्रमण भी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने भारतीय राजनीति में आने से पहले करीब 8 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस के लिए भी काम किया है, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चुनावी रणनीतिकार के रूप में काम किया। इस खबर में इतना ही। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।